पॉइंट देखते हैं, एनी सब्सटेंस डैट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और एन एक्वस सॉल्यूशन रिड्यूस इट सरफेस टेंशन और द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन इट एंड एन अदर लिक्विड। जो सर्फेक्टेंट है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, वह जब कोई सब्सटेंस जब डिजॉल्व किया जाता है वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, तो वह क्या करता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन को। अगर आपको इंटरफेसियल और सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में नहीं पता, तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अब केमिकली डिफिनेशन देख लेते हैं। ए मॉलिक्यूल्स डैट कंटेन पोलर पोर्शन एंड ए नॉन पोलर पोर्शन इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट। जो हमारा सर्फेक्टेंट है, यह पोलर पोर्शन से और नॉन पोलर पोर्शन से मिलके बना होता है। पोलर पोर्शन को हम कर बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर को बोलते हैं लिपोफिलिक। अब देखते हैं हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक होता क्या है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये हमारा सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर है। ये हमारा जो हेड है, इसे हम बोलते हैं पोलर पोर्शन। ये जो हमारा टेल है, इसे हम बोलते हैं नॉन पोलर पोर्शन। जो हेड है, हेड को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और जो टेल हमारा है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक या बोल सकते हैं लिपोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो वाटर लविंग नहीं होता है, मतलब इसे लिपोफिलिक बोल सकते हैं। लिपोफिलिक मतलब होता है ऑयल लविंग या लिपिड लविंग भी बोल सकते हैं। जो हमारा टेल होता है वह हाइड्रोकार्बन चैन से मिलके बना होता है। जो हाइड्रोफिलिक है, इसमें हमारा आ गया कैटायन हो गए, अनायन और नॉन आयनिक इसमें आते हैं। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ इसकी पहली प्रॉपर्टीज है कि इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, मतलब यह सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है सर्फेक्टेंट हमारा। फिर सेकंड है रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, मतलब यह वाटर के सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फिर आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा है कि प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल क्लीनिंग इमल्सिफाइंग फॉर्मिंग और डिस्पर्सिंग, इन सब के लिए यह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मिसाइलेशन में भी इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसके फोर्स क्लासिफिकेशन है, पहला है अनायनिक, सेकंड है कटायनिक, थर्ड है नॉन आयनिक, फोर्थ है एम्फीटेरिक। जो हमारा अनायनिक होता है, इसमें जो हेड होता है वह जो अनायन से मिलके बना होता है, और जो कटायन होता है, इसमें जो हेड होता है वह कटायन से मिलके बना होता है। और नॉन आयनिक में मतलब इसमें ना धनायन होंगे ना ऋणायन होंगे। और एम्फीटेरिक जो होता है, इसमें दोनों होते हैं, कटायन भी होते हैं और अनायन भी होते हैं, दोनों से मिलके बना होता है। अब पहले देख लेते हैं अनायनिक क्या होता है। अनायनिक होता है इट कंटेन अनायनिक फंक्शनल ग्रुप इन हेड। जैसे ये हमारा सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर है, जब हेड जो है, हेड पे जब पॉजिटिव चार्ज वाला फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसे हम बोलेंगे अनायनिक सर्फेक्टेंट। एग्जाम्पल में हमारा है सल्फेट है, फास्फेट है, कार्बोक्सिलेट है। फिर आगे देखते हैं कटायनिक के बारे में। इट कंटेन कटायन फंक्शनल ग्रुप, मतलब जैसे हमारा ये सर्फेक्टेंट है, हेड जो है, हेड पे हमारा क्या होगा, कटायन हो गए, कटायन फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उसे हम बोलेंगे कटायनिक सर्फेक्टेंट। एग्जाम्पल में देख लीजिए, बेंजेथोनियम क्लोराइड दिया है और साइटेप्लेराइडियम क्लोराइड दिया है। फिर अब देखते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के बारे में।
डज नॉट इंक्लूड एनी चार्ज हेड, मतलब इसका जो हेड है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे हमारा एग्जांपल में फैटी अल्कोहल हो गया और ग्लूकोसाइड्स हो गया, और एम्फीटेरिक देख लेते हैं। एम्फीटेरिक जो होता है इसमें देखिए यहाँ पे कटायन भी होते हैं और अनायन भी होते हैं और कटायन भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हमारा अमीनो एसिड बेटाइन्स हो गया। जैसे हमारा एक सर्फेक्टेंट है, ये जो होगा दोनों से मिलके बना रहेगा, अनायन से भी और कटायन से भी मिलके बना होता है। अब इसका यूजेज देख लेते हैं। इसका यूज जो होता है सर्फेक्टेंट का डिटर्जेंट में, मतलब क्लीनिंग एजेंट है डिटर्जेंट हमारा। इंक में इसका यूज होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट में और लैक्सेटिव में इसका यूज होता है। फिर अब अगला टॉपिक देखते हैं सेपरेटिंग कोफिशियंट के बारे में। सेपरेटिंग कोफिशियंट जो होता है, सेपरेटिंग मतलब होता है फैलना। द सेपरेटिंग कोफिशियंट और पैरामीटर, इसे हम पैरामीटर भी बोलते हैं, इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड फेज ऑफ सेपरेट ऑन सेकेंड लिक्विड। जैसे हम मान लिए हमारा यहाँ पे दो लिक्विड दिया गया है, एक वाटर है एक ऑयल है। जब हम वाटर के ऊपर ऑयल डालते हैं तो हमारा एक क्या करता है, फिल्म बना लेता है। जैसे फिर अगला देख लेते हैं, जैसे आगे मान लेते हैं, जैसे हमारा ये पूरा क्या है, ऑयल है। ऑयल पे जब हम वाटर ड्रॉप डालते हैं तो यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप बना लेगा, तो यहाँ पे एक फिल्म बन जाएगी, सेपरेट हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे सेपरेटिंग कोफिशियंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम ऑइंटमेंट लिए, ऑइंटमेंट को हम लगा लिए, ऐसे टिक लिए, जैसे जब उसे जब तक हम उसे रब नहीं कर रगड़ते नहीं तो पूरा वो फैलता नहीं है। जब उसे हम रब कर लेते हैं तो पूरा फैल जाता है, उसी को हम सेपरेटिंग बोलते हैं। एग्जांपल में हमारा आ गया स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्सन। फिर इसकी डेरिवेशन के बारे में देख लेते हैं। जनरली सेपरेटिंग अकर्स व्हेन एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोसी फोर्स। एडहेसिव फोर्स वह होता है कि जब वाटर, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों, जब दोनों मॉलिक्यूल्स जब सेम रहेंगे, दोनों जब एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे तो उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जब हमारा कोहेसिव फोर्स जो होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, जब दोनों मतलब अलग अलग जो रहेंगे मॉलिक्यूल्स, जब एक दूसरे से अटैच रहेंगे तो उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। जब यहाँ पे देखिए, जब हमारा एडहेसिव फोर्स मोर देन होगा किसके, डब्ल्यू सी मतलब कोहेसिव फोर्स के, तो जो सेपरेटिंग जो होगी अच्छे से होगी, तो हमारा एस इक्वल टू होगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी। डब्ल्यू ए मतलब हमारा एडहेसिव फोर्स है और डब्ल्यू सी इक्वल टू हमारा क्या, कोहेसिव फोर्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। मान लीजिए हमारा ये वाटर है, वाटर का इस पर ये हमारा क्या है, ऑयल है, तो इसका जो यह गामा एस जो है, गामा एस जो ऑयल का यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन है, और यहाँ पे देखिए ये गामा एल जो यहाँ पे है वह किसका, वाटर का सरफेस टेंशन है, और जो गामा डेल्टा एल एस दिया है वह इंटरफेस सरफेस टेंशन है, मतलब दोनों के बीच का सरफेस टेंशन है। फिर आगे देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेम लिक्विड है, ये भी हमारा वाटर है, ये भी वाटर है, इसका जो सरफेस टेंशन है गामा एल यहाँ पे दिया गया है, तो जब हमारा सेम रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो डब्ल्यू सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एल डेल्टा ए। हम पहले पढ़े थे सरफेस टेंशन में गामा इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा ए होता है, तो हमारा डब्ल्यू सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा टू गामा एल इंटू डेल्टा ए। अगर हम
जो डेल्टा ए है उसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो डब्ल्यू सी जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा टू गामा एल, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लीजिए। फिर आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा दो लिक्विड, यहाँ पे दो सबस्टेंस दिया गया, एक है जिसका सरफेस टेंशन गामा एल है, दूसरे का गामा एस है, इसका जो बीच का सरफेस टेंशन है दोनों के, इसे हम मान लिए गामा एल एस मान लिए। तो हमारा डब्ल्यू ए जो निकल जाएगा गामा एल डेल्टा ए प्लस गामा एस डेल्टा ए माइनस गामा एल एस डेल्टा ए। अगर हम डेल्टा ए को 1 सेंटीमीटर मान लिए तो हमारा डब्ल्यू ए इक्वल टू हो जाएगा गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लीजिए। इन सभी जो गामा सॉरी डब्ल्यू सी जो है और डब्ल्यू ए का जो मान है, इक्वेशन हम फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, यस इक्वल टू डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी था, इसमें हम पुट कर लिए वैल्यू को, तो हमारा आ गया यस इक्वल टू हो गया गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस माइनस टू गामा एल। तो यहाँ पे एक यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा यस इक्वल टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस आ जाएगा। फिर अब देखते हैं एच एल वी स्केल के बारे में। एच एल वी का जो फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर लविंग होता है, लिपोफिलिक होता है जो ऑयल लविंग या बोल सकते हैं लिपिड लविंग होता है, उसे हम लिपोफिलिक बोलते हैं। पहला पॉइंट देख सकते हैं, इट इज ए हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल, मतलब यह हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल होता है। इसकी जो डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे विलियम सी ग्रिफिन थे। हाइड्रोफिलिक का यहाँ पे देखिए वाटर लविंग, और लिपोफिलिक मतलब लिपिड सॉल्युबल या बोल सकते हैं ऑयल लविंग। फिर अगला पॉइंट है, एच बी स्केल कंसिस्ट ऑफ एरबेट्री स्केल इन विच वैल्यू और एसिंड टू डिफरेंट सर्फेक्टेंट टू देयर नेचर। फिर अगला पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ 1 to 20 ऑन एच बी एल स्केल रिप्रेजेंट लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। जो एच बी स्केल यहाँ पे दिया गया है इसमें देखिए 18 तक है, किसी में 18 दिया भी रहता है, किसी में 20 तक भी दिया। इसमें जो वैल्यू होता है 1 से 20 तक का होता है। जो हाई नंबर ऑफ द इंडिकेट डैट ए एजेंट इज हाइड्रोफिलिक, जो हायर नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जो लोअर नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं लिपोफिलिक एजेंट। यहाँ पे देख लीजिए 0 to 8 जो है लिपोफिलिक है और 8 to 18 जो है हाइड्रोफिलिक है। फिर देख लेते हैं आगे, द एच एल बी वैल्यू कैन बी यूज टू प्रेडिकेट द सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज, मतलब जो एच एल बी वैल्यू है सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज को कैसे दिखाते हैं। पहला पॉइंट है, एच एल बी वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट सर्फेक्टेंट इज सॉल्वेबल इन वाटर। जो एच एल बी स्केल में जो वैल्यू 1 है वह क्या इंडिकेट करता है, सर्फेक्टेंट सॉल्युबल है किसमें, ऑयल में सॉल्युबल है। सेकंड पॉइंट है, एच एल वी वैल्यू ऑफ 20 इंडिकेट सर्फेक्टेंट इज वाटर सॉल्युबल। जो वैल्यू 20 है वह इंडिकेट करता है कि सर्फेक्टेंट जो है किसमें सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। फिर अगला देखते हैं, लेस देन 10, जब 10 से लेस देन रहेगा तो वह लिपिड सॉल्युबल रहेगा, जब मोर देन 10, जब 10 से ज़्यादा रहेगा तो वह क्या रहेगा, वाटर सॉल्युबल रहेगा। जब वैल्यू 1 से कितना रहेगी, 3 रहेगा तो उसे बोलेंगे एंटी फॉर्मिंग एजेंट, जब वैल्यू रहेगी 3 से 8 तक तो उसे बोलेंगे वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, जब वैल्यू रहेगा 7 to 9 तो उसे बोलेंगे वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, जब वैल्यू रहेगा 14 to 16 तो उसे बोलेंगे डिटर्जेंट,
जब वैल्यू रहेगा 8 to 16 तो उसे बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। जब वैल्यू रहेगा 16 से 18 और 16 से 20 तो उसे बोलेंगे सोलविलाइज्ड एजेंट बोलेंगे। फिर आगे देख लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ HLV स्केल के बारे में। जो HLV स्केल होता है HLV इक्वल टू 20(1-S/A) होता है। यस जो होता है स्पेसिफिकेशन नंबर ऑफ द एस्टर होता है और A इक्वल टू होता है एसिड नंबर ऑफ द एसिड होता है। अब HLV स्केल यहाँ पे देखिए बना है। HLV स्केल में देखिए यहाँ पे यहाँ तक इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, यहाँ तक बोलेंगे हम लिपोफिलिक। मतलब 0 to 8 जो दिया गया है लिपोफिलिक है और 8 to 18 दिया गया है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे देखिए जब 1 to 3 रहेगा तो उसे एंटी फॉर्मिंग एजेंट बोलेंगे। जब 3 to 8 रहेगा तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग बोलेंगे एजेंट बोलेंगे। जब 7 to 9 रहेगा तो उसे हम बोलेंगे वेटिंग एंड सेपरेटिंग एजेंट बोलेंगे। जब वाटर ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट रहेगा तो उसमें रहेगा 8 to 16 रहेगा। जब 14 to 16 रहेगा तो उसे हम डिटर्जेंट बोलेंगे। जब 16 to 18 रहेगा उसे हम सोलविलाइजिंग एजेंट बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं सोलविलाइजेशन के बारे में। सोलविलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इज कॉल्ड सोलविलाइजेशन। सोलविलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सोलबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है इन एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस सिस्टम में टू प्रेजेंस ऑफ किसके सरफेस एक्टिव एजेंट के तो उसे हम बोलेंगे सोलविलाइजेशन बोलेंगे। फिर आगे देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर कोर ऑफ मिसेल व्हाइल पोलर मॉलिक्यूल्स गेट ऑब्जर्व एट मिसेल सरफेस। एम्फीफिलिक ग्रुप्स आर अरेंज इन सच ए वे सो डैट देयर पोलर ग्रुप्स इज टूवर्ड्स एक्वस फेज व्हाइल लिपोफिलिक ग्रुप इज इनसाइड द मिसेल। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा क्या है सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर है इसमें जो हेड वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, जो टेल वाला पार्ट है उसे हम बोलेंगे लिपोफिलिक। मान लीजिए हमारा ऑयल मॉलिक्यूल्स है, ऑयल मॉलिक्यूल्स में जो ऑयल है जो वह क्या है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब जो टेल है वह किसके तरफ रहेगी ऑयल के। यहाँ पे देखिए टेल किसके तरफ है ऑयल की तरफ है। तो ये हमारा क्या मिलके क्या बना लिया मिसेल बना लिया। अब मान लीजिए हमारा वाटर है, वाटर में हेड किस वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ रहेंगे तो इसे हम बोल देंगे क्या हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। ये मान लीजिए हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा ऑयल मॉलिक्यूल्स है। जब हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें देखिए टेल यहाँ तक है और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल से हेड अटैच है तो यहाँ पे देखिए अभी अटैच नहीं हुआ दोनों एक दूसरे से। जब इसमें हम क्या ऐड करते हैं सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑयल मॉलिक्यूल्स से क्या हो जाता है अटैच हो जाता है। तो जब दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे तो दोनों सोलबुलाइज हो जाते हैं तो इसे हम सोलबुलाइजेशन बोलेंगे। फिर आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक इट इज डिटर्जेंसी है। इट इज द फिनोमेनन इन विच डर्ट और फॉर्जन मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट। मान लीजिए ये हमारा कोई क्लॉथ है
क्लॉथ में आप देखे होंगे तो छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर में क्या होते हैं, जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, जो फॉर्जन मटेरियल होते हैं, इसमें आके चिपक जाते हैं। जब हम डिटर्जेंट यूज करते हैं तो वह क्या करता है, मिसेल बना के उसे क्या कर देता है, अलग कर देता है, क्लीन कर देता है। तो उसी हम प्रोसेस को बोलेंगे डिटर्जेंसी बोलेंगे। दे हैव गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज़, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है गुड वेटिंग की होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई